जनपद संभल के चंदौसी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी से सचिन सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है। नाम की घोषणा होते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई गई। शहर में ढोल नगाड़े बजाकर जुलूस निकाला गया, साथ ही शहर वासियों ने विधानसभा चुनाव में जिताने की अपील की। आइए सुनते हैं सचिन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। भाई साहब आम आदमी पार्टी से आपका टिकट हुआ है, पहले तो बहुत बहुत बधाई। आगे आप चुनाव में यस मेरी प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता ये है कि 300 यूनिट बिजली फ्री, पुराने बिल माफ़, और दूसरी प्राथमिकता हमारी ये है रोज़गार गारंटी योजना, जिसके तहत 10 लाख लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराना एक साल के अंदर, और 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, और महिलाओं के लिए 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता। जी वो जो है सर, ये एक क्या कहें, समाजवादियों का जो पुराने घपले हैं और वो सामने उजागर हो रहे हैं, और भी क्या कहें, ये आने वाले समय में हमारा जो है एक जल निगम के लिए संजय सिंह जी ने, राज्यसभा सांसद जी ने जो आरोप लगाया था, वो भी उसके लिए भी क्या कहें, आरोप जो है तय हो चुके हैं और उसकी जाँच चल रही है। ये समाजवादी पार्टी का हो सकता है और या किसी राजनीतिक पार्टी की चाल भी हो सकती है। मैं खाली 31 विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रतिद्वंदी मानता हूं और किसी के लिए नहीं मानता हूं। समाजवादी पार्टी का अभी प्रत्याशी अभी क्लियर नहीं हुआ है, और मैं 300 यूनिट बिजली फ्री, बेरोजगारी भत्ता, और शिक्षा फ्री, और पानी फ्री, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री, और जो वर्ल्ड क्लास सेवाएं हैं वो दिल्ली के मॉडल पे हम यहाँ पे यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। जी भैया, आप चंदौसी की जनता से ही पूछ लीजिए, चंदौसी में माननीय गुलाबो देवी जी हैं, मैं इस टाइम में राज्य मंत्री, उन्होंने चंदौसी की जनता के लिए क्या दिया है। दिल्ली की तो बात छोड़ दीजिए, चंदौसी की जनता कितनी खुश है गुलाबो देवी जी से। नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश में जो घोटाले हुए हैं उसके लिए बचाने के लिए हमारी आम आदमी पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल जी पे आरोप लग रहे हैं, और उनकी आईडी भी और जांच भी हुई है, एसआईडी जांच भी हुई, उसमें कोई भी चीज़ कोई तथ्य साबित नहीं हो पाया जो कि हमारी सरकार के लिए जो गंदा करे या मैला करे। वो सर, अगर विपक्ष के लोग अब हमलावर होते हैं तो हम लोग मैदान में उतर चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और अब विपक्ष हमारे लिए कोई हमला नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हम अब 403 विधानसभा सीटों पर जो गंदा करे या मैला करे। वो सर, अगर विपक्ष के लोग अब हमलावर होते हैं तो हम लोग मैदान में उतर चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और अब विपक्ष हमारे लिए कोई हमला नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हम अब 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए डंका बजा दिया है हम लोगों ने। जी सर, तो आपके साथ ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे सर, ये अभी मेरे को हैंड टू हैंड पता चला था। मैं क्षेत्र से अभी ये क्या कहें, मुरादाबाद गया था एक मीटिंग में, और मीटिंग से लौटा था तब भी मुझे ये पता चला कि टिकट हो गया है, और मैं क्षेत्र में भ्रमण कर चुका हूँ, ये लोग अब भ्रमण कर रहे हैं। मैं पहले ही 127 गाँवों में घूम चुका हूँ। इस बार आम आदमी पार्टी अच्छी जगह बना पाएगी उत्तर प्रदेश में और अच्छा चुनाव लड़ेगी। मैं मानता हूं कि 100 से 200 सीटें लेके जाएंगे हम। मैं 31 विधानसभा में जो कमियां हैं उनके लिए बता रहा हूं कि आज तक हमारा 5 किलोमीटर का रेंज ले जाइए, चंदौसी की सड़कें बहुत अच्छी हैं, और चंदौसी की जनता ये चाहती है कि परिवर्तन हो, और मैं ये चाहता हूं कि आने वाले समय में विधानसभा इलेक्शन आ रहा है तो आप अपना नज़रिया बदलिए और अपना प्रतिद्वंदी ऐसा चुनिए जो कि आपके समक्ष रहे, ना कि कोई कार्य करे। 4 साल से बीजेपी की विधायक रही यहाँ पे माननीय गुलाबो देवी जी, वो आज तक उनका डंका ऐसा है कि जिस गांव में क्षेत्र में जा रहा हूँ उनकी बुराइयाँ ही मिलती हैं काम के वजह से, और मौजूदा सरकार में भी ये मान लीजिए कि अभी जो भी काम हो रहे हैं वो सही नहीं हो पा रहे। आज जब चुनाव जब सर पर आ गया है
तो उन्होंने खंबे लगाने चालू कर दिए, लाइटों का काम चालू कर दिया, इधर सड़कें बनवाना चालू कर दिया, रातों रात में सड़कें पड़ जाती हैं। उस दिन से चुनाव जब नहीं हुआ था तब उन्होंने क्या करा था भाई साहब? विकास कार्य आप खुद ही देख रहे हो, जमीनी स्तर पर देख रहे हो और वैसे देख रहे हो। जी आगे, अरे योगी जी ने लैपटॉप माना है, ये राजनीतिक स्टैंड है, वो चाहते हैं कि हमें वोट मिले। किसान आंदोलन खत्म हो गया, सारी मांगे उन्होंने। जी किसान आंदोलन, किसान आंदोलन में हमारी जीत हुई है और आम आदमी पार्टी किसान भाइयों के साथ थी और हमेशा साथ में रहेगी। समाजवादी पार्टी हमलावर होती रही है, अगर समाजवादी पार्टी हमारी शर्तों व नियमों के अनुसार अगर हमें ये कहती कि हम इस चीज़ों पर कर